प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ एंड ये जो सब्जेक्ट है ये एक इलेक्टिव पेपर है, प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पटना का, जो कि बीटेक सेवन सेमेस्टर में आपका पढ़ना है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रोग्राम इलेक्टिव लिए जाते हैं, कहीं पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कहीं पे रॉक मैकेनिक्स, कहीं पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अलग अलग पेपर जो है आपके लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे जो है एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सब्जेक्ट जो है लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन सिलेबस मैं प्रॉपर टॉपिक को जो है डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना, क्योंकि ये हमारे लिए भी नया है और क्योंकि हर कॉलेज में ये होता नहीं है, पार्टिकुलर कॉलेज में होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर ये चीज़ें मैंने जो है स्टार्ट किया है, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, मैं कोशिश करूँगा अपने आप को प्रॉपर तरीके से आपका जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व कर पाएँ, और जो भी टॉपिक मैं बताऊँगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताऊँगा जो भी चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का पॉइंट होने वाला है जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो हमारा आज का पॉइंट होने वाला है डिस्कशन के लिए, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एनवायरनमेंट जो है एक फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि हमारे आसपास के अराउंड, मतलब हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है, चाहे लिविंग थिंग्स हो या चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सारे हमारे क्या एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मैन मेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात किया जाए तो वाटर, एयर, लैंड, बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन मैन मेड स्ट्रक्चर्स के तौर पे अगर बात किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिल्डिंग, है ना, सोलर सिस्टम भी आप लेकर चल सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब हम आप जैसे लोग धरती पे जन्मे तो कुछ ना कुछ नए नए चीज़ें आविष्कार करते रहते हैं, तो वो ह्यूमन मेड हो गया, मतलब हम लोग जिसे अब बनाए। नेचुरल रिसोर्सेज, हवा को तो हम लोग नहीं बनाए, पानी को हम लोग नहीं बनाए, भूमि को हम लोग नहीं बनाए, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो जो इन्वायरमेंट है ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ताकि हम लोग जो है अर्थ पे अपना प्रॉपर एक सही तरीके से जो जीवन है वो जी सके, हमारा स्वास्थ्य भी सही हो और हमारी जो इंटेंशंस हो इन्वायरमेंट के प्रति वो भी सही हो, मतलब प्रॉपर इंटेंशन के साथ। ये ना कि हम पूरा गंदगी फैलाए जा रहे हैं इन्वायरमेंट में, वातावरण दूषित हो रहा है, होने दो, हम तो भाई अपना गंदगी फैलाएंगे तो फैलाएंगे। तो एक आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप इस धरती पे जीने के लिए आए हैं तो आप अपनी जीवन जीए, दूसरों को कष्ट ना दें, है ना, मतलब अपना स्वास्थ्य भी सही रखें और जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसे भी अफेक्ट ना करें, ठीक है। तो जो टर्म इन्वायरमेंट है ये जनरली जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को इंक्लूड करता है और ये एक तरीके का जाल बना देता है। कंपोनेंट अगर बारे में बात किया जाए इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो जनरली तीन कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है, पहला बायोटिक एलिमेंट्स, दूसरा एबायोटिक एलिमेंट्स और तीसरा इंट्रैक्शन। बायोटिक एलिमेंट्स क्या होता है? तो वैसा थिंग्स या एलिमेंट जो ये हमें बताए कि यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस हो रहा है भाई वो लिविंग थिंग्स के साथ हो रहा है, जैसे एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, ह्यूमन, ये सभी बायोटिक एलिमेंट आते हैं इन्वायरमेंट के, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म को, जैसे एयर,
वाटर, सनलाइट, रॉक्स, ये एबायोटिक एलिमेंट्स हैं। इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शंस क्या होता है? तो देखो, जो स्टडी हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट को, ताकि हम लोग प्रॉपर रिलेशनशिप समझ सके, बायोटिक एलिमेंट्स और एबायोटिक एलिमेंट्स, ये दोनों को, तो ये हमारा जो है इंट्रैक्शन कराता है, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे आपस में मिल रहा है, इसी को जो स्टडी होता है एनवायरनमेंट का, वो इंट्रैक्शन कराता है। तो ये मेनली तीन कंपोनेंट हमें जो है देखने को मिलता है एनवायरनमेंट का। इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए कि क्या इम्पोर्टेंस होता है एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट का जो पहला इम्पोर्टेंस है, यानी पहला जो सिग्निफिकेंट फीचर्स है, वो है कि एक प्रॉपर बिहेवियर हमें प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और ओवरऑल जो वेल बीइंग होता है उसे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसको अफेक्ट करता है। इसलिए ह्यूमन लाइफ जो है, जो ह्यूमन लाइफ है, ये प्रॉपर हमारा हो, है ना। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज विद इन एनवायरनमेंट, जैसे फीस, फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स, ये सारे वैल्यूएबल हैं। इसमें कुछ रिन्यूएबल होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपका जो है ओर्स, फॉसिल फ्यूल्स, जो कि लिमिटेड होता है ना, वो अगर ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो हमारा नॉन रिन्यूएबल आता है। इकोलॉजिकल यूनिट्स जैसे नेचुरल सिस्टम्स, ये भी हमारा एक कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट, मतलब ये तीन जो है ये हमारा इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट का। इसके बाद अगला जो पॉइंट है समझने वाली हमारी, वो है नेचर। नेचर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल वर्ल्ड के, जिसमें ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, लैंडस्केप हमारे होते हैं। नेचर जो है जनरली कई सारे थिंग्स होते हैं, जो कि छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो जो भी थिंग्स है ना, जो स्मॉल हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो, ये सारे जो है हमारे क्या होते हैं, नेचर को जो है बताता है कि क्या नेचर हमारा है, यानी ये करेक्टराइज करता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी को, डाइवर्सिटी को, और इंटरकनेक्टेडनेस बताता है, मतलब एक रिलेशंस कनेक्ट करता है डाइवर्सिटी में। भाई अगर कोई फसल उगाया जा रहा है तो उसे काट कर खाने वाला भी कोई होना चाहिए, यानी कि फसल उग रहा है उसे काट कर कोई खाने वाला है ही नहीं, तो ये प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा, मतलब एक प्रॉपर सर्कल भी बनना ज़रूरी है, एक साइकिल भी बनना ज़रूरी है, कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है, आकर होता है नेचुरली एंड विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन, है ना, कोई भी ह्यूमन इंट्रैक्शंस के। इट इंक्लूड्स अर्थ्स डाइवर्स इकोसिस्टम, क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स और नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंपोनेंट के बारे में अगर बात किया जाए नेचुरल एनवायरनमेंट के, तो पहला कंपोनेंट है इकोलॉजिकल यूनिट, ये कंप्लीट सिस्टम होता है फंक्शनिंग नेचुरली, जिसमें वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉयल, रॉक्स, एटमॉस्फेयर और भी जो नेचुरल फिनोमिनन होता है विद इन एनवायरमेंटल बाउंड्रीज, तो वो हमारा इकोलॉजिकल यूनिट आता है। अगला कंपोनेंट अगर बात किया जाए नेचुरल एनवायरनमेंट का, तो वह है यूनिवर्सल रिसोर्स एंड फेनोमेना, इसमें एयर, वाटर, क्लाइमेट, एनर्जी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का कंटिन्यूम,
नेचुरलनेस, इसमें जो है 100% जो नेचुरल होता है वो से 0% नेचुरल होता है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी दोनों जो है इसमें होता है, मतलब 100 से 0 तक। उसके बाद अगला है बिल्ट एनवायरनमेंट वर्सेस नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो ह्यूमन ट्रांसफर लैंडस्केप जो होता है वो बिल्ट एनवायरनमेंट होता है, जैसे अर्बन एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड, और नेचुरल एनवायरनमेंट होता है हमारा जो अनटच्ड होता है, जैसे मैसिव ह्यूमन इंट्रैक्शन से, जैसे पहाड़ हो गया, जंगल हो गया। तो जो जंगल्स हो गए हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, जो हम लोग घर बनाए शहर बनाए वो हमारा बिल्ट एनवायरनमेंट हुआ, मतलब उस एनवायरनमेंट को हमने जनरेट किया है, हमने बनाया है। लेकिन जो जंगल हो गया, क्या जंगल को हमने बनाया है? नहीं, जंगल पूरा घूम भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे जंगल हैं, तो वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। अर्थ स्फीयर अगर बात किया जाए तो लिथोस्फीयर, जो कि करेस्पॉन्ड टू रॉक्स एंड अर्थ सॉलिड आउटर लेयर होता है। हाइड्रोस्फीयर, ये वाटर बॉडीज जो कि इंक्लूड करता है ओशियन, रिवर और लेक्स को। एटमोस्फेयर, जो कि अर्थ पे जो गैसेस का एक लेयर बना हुआ है वो हमारा एटमोस्फेयर कहलाता है। यानी अर्थ का 3 स्फीयर है, एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर, और एक आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंट्रैक्ट करता है, है ना। सिग्निफिकेंस अगर बारे में बात किया जाए, सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात किया जाए नेचुरल इन्वायरमेंट के, तो 3 मेनली जो है सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। पहला, रिसोर्स प्रोविजंस, जो कि सप्लाईज करता है इसेंशियल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। क्लाइमेट रेगुलेशंस, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को। इकोसिस्टम हेल्थ, ये हेल्दी नेचुरल एनवायरनमेंट को इंश्योर करने के लिए में मदद करता है, ताकि अलग अलग जो वेल बींग्स हैं, स्पेसीज हैं, वो हमारा इंश्योर किया जा सके हेल्दी नेचुरल एनवायरनमेंट का। आई होप कि आज का जो छोटा सा सेशन था ये आपको समझ में आया है। बाकी अगर कोई और डाउट्स रहता है तो आप हमें जरूर बताइए। बाकी इसी तरीके का और भी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।